हरियाणा से देसी पिस्टल बेचने आए 23 वर्षीय युवक को मुंब्रा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दो दिन पहले मुंब्रा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की टीम एपीआई अजय कुमार और उनके तमाम टीम के सहयोगियों ने एन लोकसभा चुनाव के दौरान जो है एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से हरियाणा से देसी पिस्टल बेचने आए एक युवक को मुखबिर द्वारा मिली जानकारी के आधार पर रेती बंदर परिसर से गिरफ्तार किया है। उत्तम पीताम्बर पुनिया, उम्र 23 वर्ष, ऐसी इस हरियाणा के युवक की पहचान हुई है। पुलिस अब वो ये हथियार किसको बेचने वाला था और इन हथियारों को मंगाने वालों का इस हथियार के इस्तेमाल के पीछे क्या योजना थी, क्या मकसद था, ये सारे जांच के पहलू हैं। ऐसा पत्रकार परिषद में कलवा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त उत्तम कोलेकर ने कहा है। किस तरह से ये गिरफ्तारी की गई और कैसे पुलिस ने ये कार्रवाई की है, इस संबंध में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जो पत्रकार परिषद हुई जिसे सहायक पुलिस आयुक्त उत्तम कोलेकर ने संबोधित किया है, देखिए। सर, इस पत्रकार परिषद का विषय क्या है? सर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने एक अच्छी काम किया है, इसके बारे में पत्रकार परिषद है। 20 मई 2024 को पांचवें चरण में अपना इधर का वोटिंग हो रहा है, तो ये जो वोटिंग है लोगों ने निर्भय होकर निश्चिंत होकर करना चाहिए, इसलिए गुनहगारों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के हमारे सीपी साहब के आदेश है। उसके हिसाब से हम लोग हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशंस और बाकी की कार्रवाई सब चालू है। वो हिसाब से जब कार्रवाई चालू थी तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एपीआई कुमार, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आदमी रेती बंदर पर कुछ अवैध हथियार बेचने के लिए आने वाला है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाके ट्रैप लगाया तो बाद में उनको ये ट्रैप लगाया गया 5 मई 2024 को। और जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मेशन में जो आदमी का पहराव था, वो पहराव का आदमी आ गया, तो उन्होंने उसको दबोच लिया और उसके बैग थी उसके पास, बैग में सर्च किया तो उसके पास 2 पिस्टल मिल गए, 3 राउंड मिल गए। जब उसके साथ पास इंक्वायरी की गई तो वो झज्जर हरियाणा का रहने वाला निकला और वो यहाँ पे हथियार बेचने के लिए आया था। ये हथियार अगर किसी को दूसरी जगह पर भेजा जाता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम ने जो अच्छा काम किया है, जिससे आगे होने वाला एक बहुत बड़ा हादसा बच गया है। आरोपियों का नाम क्या है, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है? सर, आरोपी झज्जर हरियाणा का है, उसका नाम है उत्तम पीताम्बर पुनिया, जिसकी उम्र 23 साल। सर, ये जो आरोपी है, ये हथियार किसे देने आए थे, इसकी कुछ जानकारी हुई? इसकी इंक्वायरी चालू है और इन्वेस्टिगेशन चालू होने की वजह से उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन में बाधा आ सकती है, इसलिए हम लोग अभी इस स्टेज पे नाम बता नहीं सकते। अभी हथियार कहाँ से लाए गए थे, ये हरियाणा से उसने बाय किया था या कहीं और से? हरियाणा से लाए थे हथियार उसने, उसका बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, ये हथियार ये जिन्हें देने आए थे, कुछ इलेक्शन को लेके कुछ माहौल खराब करने के लिए था या ये बेचने के बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है? और कुछ बातें ऐसी है कि जो अभी डिक्लेयर करेंगे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिकावटें आ सकती है, इसलिए समय आने पर ये बातों का इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा। रिकवरी में कौन कौन से वेपन मिले हैं? 2 पिस्टल मिले हैं और 3 राउंड मिले हैं। सर, इनके साथ और कितने लोग होने की संभावना है? इंक्वायरी चल रही है उसकी। Thank you.